नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु राठौर। रुक करेंगे इस वक्त की प्रमुख बड़ी खबरों की ओर। हर वर्ष की तरह इस साल भी कलाकारों से गूंज उठेगा कपिल वस्तु महोत्सव। जनपद के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कपिल वस्तु महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 20 से 24 तारीख तक चलेगा कपिल वस्तु महोत्सव। 5 दिन तक कपिल वस्तु महोत्सव जारी रहेगा। हर वर्ष की भांति इस बार भी कलाकारों से गूंजेगा कपिल वस्तु महोत्सव। काफी रौनक इस बार भी देखने को मिलेगी। स्वागत जिंदगी के लिए सिद्धार्थ नगर से असगर अली फैजी की रिपोर्ट। बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, इस बार कपिल वस्तु महोत्सव जैसे हर वर्ष मनाया जाता है, इस बार भी 20 से 24 तारीख का 5 दिवसीय मनाया जा रहा है, अभी प्रस्तावित है। और जैसा आप जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75 वर्ष हुए हैं, तो उस थीम को भी इंक्लूड करते हुए हम लोग ये महोत्सव करेंगे। ऑलमोस्ट हमने 5 दिन का शेड्यूल फाइनल कर दिया है, बाकी कुछ चीज़ें और वर्कआउट हो रही है। मुझे लगता है अगले 3 या 4 दिन में हम इसको फाइनल कर देंगे, और मुझे विश्वास है कि पिछले जितने भी महोत्सव हुए हैं उस महोत्सव से और एक कदम और आगे। सर, किन किन लोगों के आने की संभावना है, कैसे कैसे कलाकार आ सकते हैं? देखिए, काफ़ी चीज़ें दिन में, हमेशा जैसा आप जानते हैं कि लोकल प्रतिभाओं को और स्कूली बच्चों को एक मंच दिया जाता है, और इसलिए उनमें कॉन्फिडेंस आए और वो सब प्रोग्राम्स भी करवाए जाएंगे। उसके अलावा जितने भी लोकल स्थानीय कलाकार हैं, चाहे वो कवि हों, चाहे वो और किसी भी क्षेत्र में के आर्टिस्ट हों, उन लोगों को भी मौका दिया जाएगा, वो भी अपना प्रतिभा को यहाँ पर दिखाएँ। इसके अलावा डेली, चाहे वो कृषि गोष्ठी से लेकर गलत तरीके से स्टॉल्स, झूले, बच्चों के लिए फेड, बुक फेयर, ये सब चीज़ें लग तक हम लोगों ने फाइनल की। उनमें सुखविंदर सिंह जी को अभी किया गया है, रेखा भारद्वाज जी भी आ रही हैं, खेसारी लाल जी आ रहे हैं, उनके अलावा कई कवि सम्मेलन भी हैं, फोक आर्टिस्ट भी काफ़ी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी कल्चरल इवेंट्स भी बहुत अच्छी रहेंगी। इसके अलावा हमने कुछ इवेंट्स प्लेज हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज़ टाइम पर मिलती रहें।